नमस्कार, फिर से आज स्वागत है आप लोगों का इस धमाकेदार सेशन में। पता ही था मैं एमसीक्यू करवा रहा था बच्चों को, और लगभग एमसीक्यू की पिछली दो वीडियो मैं दे चुका हूँ, ये तीसरी वीडियो है। पता था मैं लगभग 21 क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूँ, और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 टू, अब देखो कितना क्वेश्चन है, 11, 12 या जो भी, जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ उतने भी सब मजेदार क्वेश्चन रहेंगे और काफी मजा आएगा बच्चों को पढ़ने में, ठीक है ना। तो बिना लेट किए हुए हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे, और बच्चे कॉपी किताब लेके बैठना ताकि कोई भी क्वेश्चन तुमसे छूटे ना, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, अब देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारे स्क्रीन पे तो आ चुका है, मेरा स्क्रीन तो पता ही है, मेरा सेलफोन है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 से हम कंटिन्यू करेंगे, कहां तक, 34 तक, ठीक है, 22 टू 34 तक। तो ये जो 22 वाला क्वेश्चन है ये देख लेना, ये सही है, आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखना क्या है, इसमें दिया हुआ है कि √3, यहां पे √3 tan 2 थीटा -3। कोई चीज अगर नहीं समझ में आती है तो तुरंत कमेंट करके बताओ। इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, यहां से कह रहा है कि थीटा की वैल्यू बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से उस 3 को उधर ले जाओ, तो यानी ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा √3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू, वो 3 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3, कोई दिक्कत। ये जो 3 है, क्या हम इसको 2 टाइम्स ऑफ √3 × √3 लिख सकते हैं? अगर ये मैंने क्यों किया है मैं अभी बता देता हूं, ताकि इस √3 से ये √3 वाला क्या हो जाए बेटा, कैंसिल हो जाए, ये इससे कैंसिल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक चीज बताओ, ये हो जाएगा आपका tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। ये बताओ √3 वैल्यू tan में किसकी होती है? तो मैक्सिमम बच्चे जान रहे होंगे कि √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, ठीक है। तो यहां पे इसकी वैल्यू हम कितना लिखेंगे बेटा, tan 60, यहां पे tan 60 डिग्री। अब ये तुम्हें पता है ये कितना है, tan 2 थीटा, tan से tan ये खत्म हो जाएगा, यानी 2 थीटा की वैल्यू बेटा हो जाएगी हमारे पास कितनी, 60 डिग्री। यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये बेटा आ जाएगा आपका कितना, 30 डिग्री। यानी थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 30 डिग्री, कोई दिक्कत। कोई चीज नहीं समझ में आ रहा हो तो बताओ, तो यानी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी वाला है, दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। चलो अब ये बता दिया हूं, तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, नहीं सॉरी 23 पे आते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, इसमें दिया हुआ है आपका tan x इज इक्वल टू 3 cot x, ये दिया हुआ है। इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये बताओ, ये tan x था, tan x को ऐसे ही रहने दो, ये हो गया बेटा आपका tan x, ये 3, cot x को tan के फॉर्म में लिख लो, या तो सबको cot में लिख लेना या तो सबको tan में लिख लेना, जिस तरह मन करेगा उस तरह लेके सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वाला हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसे लिखता हूं तो 1/tan थीटा, सॉरी tan x, x है तो x ही रहेगा, इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें वैल्यू पूछ किसकी रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे इस tan का यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे हो जाएगा ये कितना आपका tan square x इज इक्वल टू 3। अगर हम tan x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा आपका √3, कोई दिक्कत, किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। ये बताओ tan में √3 किसका वैल्यू होता है, अभी ऊपर यहां पे बताया tan 60 का, तो ये भी हो जाएगा आपका बेटा tan 60 डिग्री, यहां पे हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री, और ये यहां पे हो जाएगा tan x, ये tan से ये tan खत्म, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है तुम लोग खुद बताओगे, ऑप्शन नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करवाऊं, चलो समझ में आ रहा है।
यानी ये मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 23 हो चुका है। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? जितने भी क्वेश्चन है सबके सब क्वेश्चन को देखते जाओ एकदम ध्यान से, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, याद रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक से तुम्हें मार्क्स को बटोरना है, याद रहे इतना मार्क्स कलेक्ट कर लो, 100 out of 100 लेते आओ मेरे प्यारे बच्चों, याद रहे इतनी मेहनत कर डालनी है यार इस क्लास टेंथ के, इस क्लास टेंथ में, कि याद रहे जब तक कॉलेज स्कूल बंद है, या बंद रहे या ना बंद रहे यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे होल ईयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तुम कोचिंग करो या ना करो, तुम्हारे क्लास में कैसी पढ़ाइयाँ होती हैं, अच्छी होती हैं बेकार होती हैं, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पूरे होल ईयर पूरे पूरे साल मैं तुम्हारे साथ इस यूट्यूब के चैनल पे खड़ा रहूंगा, और परेशानी तो तुम्हें किसी बात की नहीं होगी किसी भी चीज को लेके, ठीक है। मिटाता हूं इसे मैं, बच्चा ये भूल जाएगा कि यार कि कैसे पढ़ाई करनी है उसे, बस उसे पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, सब चीज को मैं व्यू में रख के ये चैनल मैंने शुरुआत किया है। जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही है या बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सब क्वेश्चन तो ऐड किया यार, विदाउट बुक पढ़ सकते हो, कहीं से पढ़ो, कोई ऐसी चीज है जो मैं नहीं दे रहा हूँ चैनल पे? टोटल तो दे रहा हूँ, आरएस अग्रवाल पूरा दे दे रहा हूँ, पूरे आरएस अग्रवाल का सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी कुछ दिन में दे दूंगा, पूरा आरडी शर्मा दे दूंगा, अलग से मिक्स करके सेशन करवाऊंगा, हाई लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, आग लगा दूंगा इस बार पूरे यूट्यूब पे, याद रहे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 ये बेटा, क्वेश्चन नंबर 24, हाँ क्वेश्चन नंबर 24 में कुछ इस तरह था, x 1045, ये x इंटू ये 1045 था, ये अच्छे से आ रहा है? हेलो, ये x 1045 था आपका, x 1045 ये cos 60 था, इसके बाद यहां पे कितना था आपका cos 60 था, मार्कर हाँ इसको लेके cos 60 था, इज इक्वल टू ये आपका था बेटा इसके बाद sin 60 डिग्री, हाँ ये था आपका कितना साइन 60 डिग्री। वैल्यू एक्स की पूछ रहा है, यहां पे देख लेते हैं, वैल्यू एक्स की पूछ रहा है, एक चीज बताओ 1045 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, ये भी इंटू करके लिखा हुआ है, ये इंटू है, ठीक है, यहां पे इंटू, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होता है बेटा, बहुत बढ़िया, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यहां पे हमने साइन 60 की वैल्यू रखी √3/2, इससे बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास √3 आ जाएगी, ये देख लेना एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, एक्स की वैल्यू आ गई बेटा तुम्हारे पास, ये देखना मेरा एक्स थोड़ा एन की तरह बन जाता, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा यार, मैं भी तो शाहरुख खान की तरह लगता हूं या शाहिद कपूर की तरह, तो मुझे तुम बना थोड़े ना दोगे। तो अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में बेटा, हाँ ये √3 वाला था, यानी ऑप्शन नंबर डी था, ये देख लेना 24 का ऑप्शन नंबर डी था बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, स्क्रीन पे लगा हुआ देखते रहो एकदम, क्वेश्चन को घूर घूर के देखो जैसे सामने दुश्मन खड़ा हो। अब इसमें दिया हुआ बेटा तुम्हारा, इसमें भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये था आपका tan² 45 माइनस cos² 30 डिग्री, ये स्क्वायर था बेटा 30, थोड़ी बहुत लिखने में गलती हो जाएगी तो कृपया आप मुझे गाली नहीं देंगे क्योंकि बच्चे आजकल के यार टीचर को गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा आपका sin 45 डिग्री, sin 45, ये हो जाएगा cos 45 डिग्री, ये कोई दिक्कत है? तो एक चीज बताओ इसमें पूछ किसका रहा है वैल्यू, ये एक्स है तो इसमें भी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, यहां पे देख लेना बेटा, इसमें भी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1045 की वैल्यू बेटा जल्दी बताओ कितना है, 41, तो ये हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर, सॉरी मेरा 1 आज तक बचपन से आज तक 1 सीधा नहीं बन पाया है, तो आज कैसे बन जाएगा, ये देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है बेटा, ये माइनस था क्या बीच में, जी हाँ, cos 30 की वैल्यू
रूट थ्री बाई टू ये हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू का क्या करेंगे बेटा, ये स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स साइन 45 की वैल्यू 1/√2, यानी इसकी वैल्यू 1/√2 आएगी। अब इंटू कॉस 45 की वैल्यू भी होती है बेटा 1/√2। एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, हमेशा याद रखना, ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस, ये जब 3√3 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 3/4, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक्स, ये 1√2 का √2 में मल्टीप्लाई करोगे बेटा 2 आ जाएगा, 4 1 जा 4, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स बाई टू, ये 2 से कितनी बार में, 2 टाइम्स में, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहां पे लिख देता हूं, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ कितनी रही है, ये एक्स यार, मतलब ना एक्स बनाने आता मुझे ना एन बनाने आता, सही बात है कि नहीं, इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 1/2 आ गई। 1/2 ऑप्शन नंबर कौन सा है, बच्चे चिल्ला के बताएंगे, जल्दी बता दो, 1/2 ऑप्शन में है भी या नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 का ये ऑप्शन नंबर सी है बेटा, ये आ रहा है क्या अच्छे से, ये फ्रेम में आ रहा है, कोई दिक्कत, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं, क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं, एकदम अच्छे से आ रहा, क्लियरिटी पिक्चर एकदम बढ़िया से ना। चलो क्वेश्चन नंबर 24 तक हो चुका, क्वेश्चन नंबर 25 पे डील करते हैं। वैल्यू सबको याद रहनी चाहिए, तुम पता है ना कि लास्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे हो यार, हाइट एंड डिस्टेंस का एक एक्सरसाइज पहले वाला पढ़ रहे हो तुम, तो सब तुम्हें तैयार रहना चाहिए, ये ना रहे कि अब अभी तक तुम्हें वैल्यू ही ना याद हो। जितनी भी चीजें हैं सबको एकदम तैयार करके बैठे रहो, एकदम जुबान पे तैयार रहना चाहिए, कल को कोई एग्जाम दोगे, कोई अच्छा वाला एग्जाम देते हो कंपटीशन का, तो उसमें वैल्यू नहीं याद रहेगा तो बच्चा कैसे डील करेगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है हुँ? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखो, सेक 60 की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कुछ इस तरह दिया हुआ है कि sec स्क्वायर, यहां पे बेटा लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर 60° -1, क्वेश्चन ये था कि नहीं, क्वेश्चन sec 60 की वैल्यू होती कितनी है, जल्दी बताओ, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये कितना हो जाएगा 2, सही बात है कि नहीं, ये 2 का स्क्वायर बेटा, ये 2 का स्क्वायर -1, यानी ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 यानी 3 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन में 3 है क्या, जी हां बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी, ये देख लेना ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं बिना लेट किए हुए, ये देख लो क्वेश्चन नंबर 27 कुछ इस तरह था, अरे वाह बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है काफी सिंपल, ये देख लो कुछ इस तरीके से था, ये था आपका cos 0°, कोई दिक्कत नहीं, प्लस sin 30 था, cos इतना sin 30, फिर उसके बाद sin 45°, यहां पर लिख देता हूं, ये है बेटा आपका sin 45°, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके बाद बात करेंगे हम sin 90 डिग्री, ये भी देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लस cos 60°, साइन 90 के बाद हम बात करेंगे कॉस 60°, ये है आपका कॉस 45, थोड़ा अगर इसके ऊपर लेटर आ रहा हो तो क्वेश्चन आ रहा होगा तो एडजस्ट कर लेना बेटा, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है, बहुत बढ़िया, ये हमने लिख दिया 1, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, बहुत बढ़िया, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ये हमने ऐसे लिख लिया। अब इसको बेटा तुम्हें कर लेना सॉल्व, ये तो पता ही होगा, बताने की जरूरत थी क्या कि सॉल्व भी करना है। अब बताओ साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू भी बेटा 1 होती है, क्योंकि साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जल्दी बता दो, 1/2 होता है, और सॉरी ये लास्ट वाला नेगेटिव था, फिर से याद रखना, लास्ट वाला नेगेटिव, कॉस 45 की वैल्यू 1/, ये हो जाएगा बेटा √2, कुछ क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बताओ मैं तुम्हें यहां बताता हूं, 2 1 जा 2, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2 1 3/2,
ये पता है 3/2 प्लस 1/√2, ये इतना आ गया, ये इतना। अब इस वाले की बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा बेटा आपका 3/2 -1/√2। ये इस पे हम आइडेंटिटी यूज कर दें क्या, ये ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ये देखना, ये इज इक्वल टू था ए प्लस बी ए माइनस बी, ये पता ही होगा यार तुम्हें, 9th वाला वही ए प्लस बी ए माइनस बी। बेटा मिलता तुम्हें कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी। बेटा ये हो जाएगा आपका 3/2 का, ये मैंने किया स्क्वायर, माइनस 1/√2 का, यानी 1/√2 का इसका भी मैंने कर दिया स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आज का आ जाएगा 9/4, ये आ जाएगा 9/4 -1/2, तो ये हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम बेटा हो जाएगा आपका कितना, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा तुम लोगों को, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 9 -2, 2 जा, यानी यहां पे आ जाएगा 2, यानी 7/4 आंसर आएगा। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दिया है क्या, 7/4 आंसर आ रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, यानी ऑप्शन नंबर डी है ये 7/4। मन करेगा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना, अगर चाहते हो तो मिक्स फ्रैक्शन में, नहीं तो छोड़ देना ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने सॉल्व कर लिया है, चलो नोट करते चलो यार इसे जल्दी जल्दी, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मजे से पढ़ाई करना है तो हमें घर पे रहना, एकदम सुरक्षित रहना, इधर उधर फालतू कहीं घूमने नहीं जाना है पूरे लॉकडाउन में। और लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है तो भी यार, लॉकडाउन खत्म होने का मतलब गवर्नमेंट अलाउ थोड़ी ना कर रही है कि जाके घूमो, एकदम जाके घूमो और सेलफोन लेकर व्लॉग बनाओ। तुम्हारा काम क्या है, घर में रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, घर में कुछ खेल पाओ, गेम वेम खेल लो, बाकी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो अपने बीमार होगे भी, सबको घर वालों को भी बीमार कर दोगे। ठीक है, आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, क्वेश्चन नंबर 28 पे आए। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ क्या था, तो आए स्क्रीन पे आ चुका है, पता ही है मुझे, ये है क्वेश्चन नंबर 28, ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। कहते हो कि सर आप जितना क्वेश्चन बताते हैं हम लोग को सब इंपॉर्टेंट ही रहता है, तो जी हाँ बेटा, आपको अगर मार्क्स एकदम अच्छा मार्क्स पाना है, मीन्स 100 out of 100, मतलब 97+ मार्क्स पाना है, तो हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान के तैयारी करनी पड़ेगी आपको, और ये मान के चलना कि यार हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा मार्क्स पाने वाला बच्चा ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर टैलेंट क्रिएट हो जाएगा, अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे, खूब ज्यादा पढ़ोगे। खूब ज्यादा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस कॉपी किताब लेके बैठ गया, चीजों को समझो, हर एक उस चीज को फॉलो करो जो तुम्हें लगता है कि हाँ जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक चीज की। ठीक है, ये देखो बेटा, ज्यादा लेक्चर नहीं झाड़ूंगा आज। ठीक है, sin²(45+) सेकंड वाला बेटा था आपका 4 cos²(45), ये हो जाएगा cos², एक सेकंड रुक जाना, ये कॉट स्क्वायर है, ये कॉस नहीं था, ये फोर था फोर, ये कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, ये कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 60 इज इक्वल टू वॉट, पूछ रहा है इज इक्वल टू क्या आएगा सॉल्व करने पे। sin 30 की वैल्यू होती कितनी है, जल्दी बताओ बच्चों, 1/2 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया बेटा, 1/2 का स्क्वायर, ये बीच में पॉजिटिव, ये हो जाएगा 4, ये कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 का स्क्वायर कर देना, माइनस सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2, 2 का स्क्वायर हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा आपका 1/4, बीच में पॉजिटिव, ये आ जाएगा बस 4 -4, ये +4 -4 कैंसिल, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/4, ऑप्शन आपका आ जाएगा 1/4, 1/4 पता है कौन सा ऑप्शन है ना, 1/4 क्वेश्चन नंबर 28 का, यानी ये बी वाला ऑप्शन है, ये देख लो। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की, ये देख लो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही है, देख लो, सब क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले में, सम पर्टिकुलर एंगल वाले में, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन मैं काफी करवा चुका हूं। ये हो जाएगा 3 cos²(60° + ये हो जाएगा 2
कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना बेटा। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर, यहाँ पे हम बात करेंगे ये 30 डिग्री माइनस 5 साइन स्क्वायर 45। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 45 डिग्री इज इक्वल टू वाट, ही पूछेगा तुम्हें ऑलरेडी पता है। ये हो जाएगा 3, कॉस 60 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर करेंगे, बहुत बढ़िया 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना 1/4, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। ये 2, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 इंटू, ये हो जाएगा बेटा आपका √3 का स्क्वायर। चलो ये ऐसे सॉल्व कर देता हूं, फिर से देख लेना यहां पे, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, ये हो जाएगा बेटा 1/√2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये हो जाएगा आपका 3, ये आएगा 4 1/4 प्लस ये 3 आएगा, तो 3 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे 6 आ गया, माइनस 5 का 5/5/2 आ जाएगा, ठीक है। कुछ ना करो, सबका एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इन सबका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा तुम्हारा 4, 4 से 4 कैंसिल, यहां पे 3 लिख दिया, बीच में पॉजिटिव था 1 से कितनी बार में 4, यानी 6 4 24, बेटा यहां पे 24 आ गया, माइनस 2 2 25 10, तो कोई दिक्कत नहीं। 24 और 3 27, सही बात है, 27 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 17/4, ये आ जाएगा 17/4। क्या इसमें ऑप्शन में 17/4 दिया हुआ है क्या? जी हाँ बिल्कुल, 29th में, कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 29th में ये ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है, ये देख लो हो गया, मिटाएं से बिना लेट किए हो, क्योंकि सेशन में थोड़ा ज्यादा टाइम, कितना बचा अभी, अरे यार टाइम तो बहुत है उतना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा के आगे बढ़ते हैं जल्दी से, 10 ऑब्जेक्टिव या 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने में भी तुम्हें इतना टाइम लग रहा है, क्यों मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि बच्चे लोग, तुम लोग जल्दी समझ नहीं रहे हो, अच्छे से एकदम जल्दी जल्दी समझो, एकदम जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगा के एकदम फॉरवर्ड बनो, पूरे क्लास में भी टॉप करो, पूरा स्कूल टॉप करो यार, टॉप करोगे तभी तो मजा आएगा। देखो कितनी गर्मी हो रही है, लेकिन फिर भी नॉन एसी रूम में तुम्हारे सामने ये सुशील यादव बंदा खड़ा होकर पढ़ा रहा है, क्या किया जाए, एसी लगवा नहीं सकते अभी, ठीक है, फेमस करो ना, सब लगेगा, एसी भी लगवा देंगे, पहले तुम फेमस करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचाओ। इसमें दिया क्या हुआ बेटा, इसमें था आपका कॉस, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 इंटू, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 45, ये बीच में पॉजिटिव था, ये था 4 sec स्क्वायर 60, यहां पे था बेटा आपका sec स्क्वायर, ये 60 डिग्री, बीच में पॉजिटिव 1/2, ये देख लेना अगर क्वेश्चन के ऊपर, ये हो जाएगा आपका cos 90, तो ये cos 90 माइनस 2 tan स्क्वायर 60, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 60 डिग्री। अगर क्वेश्चन इसके ऊपर आ जा रहा है तो थोड़ा ध्यान देना, cos 30 की वैल्यू जल्दी बताएंगे बच्चे, √3/2, ये हो जाएगा बेटा कितना √3/2 का, ये हो गया आपका स्क्वायर, cos 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, बीच में पॉजिटिव था, sec 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, sec 60 की वैल्यू होती है 2, ये भी हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 1/2 cos 90 की वैल्यू, हाँ बहुत बढ़िया, साइन 0 की वैल्यू 0, हाँ बहुत बढ़िया, यानी ये 90 यानी सॉरी ये 0 था ना, तो ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर माइनस, ये था 2 tan, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ये √3 का स्क्वायर, यानी ये 0 था तो ये कंप्लीट तुम्हारा 0 होने वाला है, ठीक है ना, सॉल्व इतने को करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3/4 इंटू, ये हो जाएगा 1/2, कोई दिक्कत, 1/2, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये 4 और 4 यानी 4 4 जाए, यहां पे आ जाएगा बेटा 16, यहां पे कितना आ गया 16 माइनस ये 2 इंटू 3, या 2 3 जाए, यहां पे आ गया बेटा 6, यानी ये हो गया 6, ये हो जाएगा प्लस 16, अब ये हो जाएगा 3/8, ये समझ में आ गया, ये पता है, ये 10 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/8, यहां पे प्लस 10, तो 8 5 8 10 जाए 80, यहां पे आ जाएगा 83/8, क्या ऑप्शन में 83/8 है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी है,
ये ऑप्शन नंबर डी है, देख लेना, 83/8 यही आंसर था, याद रहे 83, अब 83/8 ऑप्शन में था। चलो क्वेश्चन नंबर 31 भी यहीं पे जल्दी से करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 में कुछ नहीं था बेटा, कोसेक इज इक्वल टू दिया हुआ था, यहां पे दिया हुआ था कितना, कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10, कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10, सेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा था बेटा, यहां पे सेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा था। तो ये बताओ अगर इसको अपॉन 10 कर दें, कोसेक इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया बेटा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, ये ऐसे हो गया, यहां पे ये बना लिया मैंने थीटा, ये पता है कितना है ना, √10 क्या होगा यानी हाइपोटेनस होगा, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये 1 हो गया परपेंडिकुलर, बेस निकालना है तो इसके स्क्वायर में से अगर ये घटाएंगे तो √10 के स्क्वायर में से 10 माइनस ये आ जाएगा बेटा, तो आपका 3, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी ये हो जाएगा आपका √10/3। क्या किया है मैंने, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया बेटा, यहां पे कुछ नहीं किया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम ये आ रहा है, हाँ पाइथागोरस थ्योरम का मैंने यूज किया है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 36 32 से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चलो तो 31 तक ये हो चुका है बेटा, ठीक है ना, ये मिटाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32 33 करते हैं, बहुत मजा आएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। अच्छा ये देख लेना, सॉरी ये √10/3 ऑप्शन नंबर बी था, ये लास्ट वाले क्वेश्चन का एकदम जल्दी में मैंने मिटा दिया, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये चीजें देख लेना तुम, अरे कुछ चीजें मैं थोड़ी बहुत यार कभी कभी छूट जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उतना बच्चा एडजस्ट नहीं कर सकता, कहीं प्लस माइनस का गलती हो गया, कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो, उतना एडजस्ट कर लिया करो, होता है ऑन द स्पॉट पढ़ाने में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो उतना बच्चा एडजस्ट करेगा, मुझे पता है यार, क्यों नहीं एडजस्ट करोगे तुम लोग, मेरे स्टूडेंट हो तो। आए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, लो बेटा क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें दिया हुआ है टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई थी बेटा, 8/15। एक चीज बताओ, ये हो गया आपका 8/15। अच्छा 15, 8 और किसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता था, 15, 15/8 17 का, ये लो मैंने बना दिया ट्रायंगल तुम्हारे कहने पे, ये हो गया बेटा थीटा, ये हो गया बेटा 90। तो साइन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का काम 8, बेस का काम 15, यानी बेटा ये हो गया परपेंडिकुलर 8 हो गया, ये हो गया आपका 15, 15/8 17 यानी 17, 15/8 17 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है, ये पीटी लिख दे रहा हूं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पिटाई नहीं पीटी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। ये 15/8 और 17 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है, पता है तुम्हें, ठीक है। वैल्यू पूछ किसकी रहा था, वैल्यू जिसकी पूछ रहा हो बेटा, कोसेक की पूछ रहा था, यहां पे देख लो बेटा कोसेक की पूछ रहा था, कोसेक थीटा की वैल्यू, ये बताओ कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है बेटा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का यहां पे वर्क कितना कर रहा है बेटा, तो तुम बोलोगे 17, परपेंडिकुलर का वर्क कितना कर रहा है, तो बोलोगे 8, यानी 17/8 ऑप्शन नंबर ए वाला, लो आ गया। ये था आपका नॉर्मल सा, हाँ आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, ये देख लो, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन यही करवा देता हूं, अरे कोई दिक्कत नहीं यार बेटा, यहां पे दिया हुआ था आपका साइन थीटा, कोई दिक्कत, यहां पे साइन थीटा दिया हुआ था, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, कोई दिक्कत नहीं, ये ए बाई बी है, 9 नहीं समझना बेटा, ये ए बाई बी है। चलो ये मैंने ऐसे ट्रायंगल बनाया, ये देख लो ये ट्रायंगल बनाया, ये हो गया बेटा आपका थीटा, ये हो गया 90, ठीक है। अब
इसमें बात करते बेटा, पूछ किसका रहा, कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे वैल्यू आपकी पूछ रहा है कॉस थीटा की। तो एक चीज बताओ, ये परपेंडिकुलर ए, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर ए था, हाइपोटेनस कितना था, हाइपोटेनस बी था, परपेंडिकुलर। तो ये बताओ, अगर इसकी वैल्यू हम निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का काम कितना कर रहा है, बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर का काम कितना कर रहा है, ए स्क्वायर। बेस निकालना है तो यहाँ पे बेस स्क्वायर, यहाँ पे अगर यहाँ पे बी को हम इधर लाएं तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आपका बेस का स्क्वायर। अब यहाँ से जब हम बेस की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका किस में जाएगा, रूट में, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देख लो बेटा, बेस की वैल्यू हमने निकाल दी, वही बेस की बात कर रहा था, ये आ गया तुम्हारा। कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब यहाँ पे ऐसे, ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए, सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, ये हो गया बी, ये कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई, यानी यही था आपका कॉस थीटा का आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आप मैच कराएंगे, मैं बता देता हूं ऑप्शन नंबर होगा कौन सा। ऑप्शन नंबर है बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये बी वाला था, ठीक है, ये देख लेना। अब 34 वाले की बात करते, 34 वाला कहीं यहीं पे बता दे रहा हूं, ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 34 बड़ा सिंपल सा है, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री दिया हुआ था। एक चीज बताओ, यहां पे टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री दिया हुआ था, तो ये देख लो, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, किसकी वैल्यू होती है टेन में, 60 की वैल्यू, बहुत बढ़िया, बच्चे वैल्यू याद कर चुके हैं, ये होगा भाई 60 डिग्री, ये 10 से 10 कैंसिल, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, चलो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, बहुत खुशी की बात है। अब एक चीज बताओ, वैल्यू हमें पूछ रहा है sec थीटा की, sec थीटा की, यानी sec 60 की, यहां पे sec, ये हो जाएगा बेटा आपका 60 डिग्री। sec 60 की वैल्यू होती कितनी है, 2 होता है बेटा, ये 2 ऑप्शन में है क्या, डी वाला, लो जैसा कि मैंने कहा है 22 से लेके 34 तक करवाया मैंने, तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा होगा, 22 से लेके 33 तक मैंने क्वेश्चन करवा दिया, और मैं क्वेश्चन लगातार करवाते जा रहा हूं, तुम एकदम लगातार पढ़ाई करते जाओ, ये रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, और रिक्वेस्ट ही नहीं, हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चा पढ़ेगा यार तभी तो आगे बढ़ेगा। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत लगता है, और इस वजह से बस मत शेयर करें कि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, बस मैं मेहनत करता हूं, इस वजह से शेयर करो यार, ताकि इसमें कोचिंग वोचिंग बंद है, बच्चे ना ट्यूशन पढ़ पा रहे हैं, जिनको जरूरत है, जिनको नहीं जरूरत है उनकी बात ही अलग है, या स्कूल से ऑनलाइन क्लास अच्छे से नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, तो कुछ नहीं करना, उन्हें बस एक शेयर मारना है अपने फ्रेंड्स के लिए, उन नीडी बच्चों के लिए जिनको जरूरत है इस वीडियो की। ऐसा नहीं कि सब, अब बच्चा ये टेंथ का है तो ट्वेल्थ वालों को शेयर मार दो, तो ट्वेल्थ वालों को नहीं, जो जिन बच्चों को जरूरत है उसको, जैसे टेंथ वाले को अपने फ्रेंड्स को मान लो, या तो नाइन्थ वाले जो बच्चे पहले से नाइन्थ में हैं, जो अब टेंथ में जाने वाले हैं, पता ही है अगस्त का सेशन चल रहा है, कुछ दिन में सितंबर अक्टूबर 3-4 महीने बाद पता है बच्चा प्रमोट होके, या फिर अगर एग्जाम की फैसिलिटी अवेलेबल हो पाएगी स्कूल में तो बच्चा एग्जाम देगा, नहीं तो प्रमोट होके अगर टेंथ में जाएगा तो टेंथ में पता ही उसके उसको चीजें एकदम शुरू से पढ़नी पड़ेंगी, तो वो बच्चा भी इस वीडियो का फायदा उठा पाएगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं, अगले वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।